नमस्कार, आज मैं हूँ जयपुर के आउटस्कर्ट्स में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में, और यहाँ कितनी गर्मी होती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी हरियाली और इतनी सुंदर लैंडस्केपिंग जब मैंने देखी तो मुझे लगा मॉर्निंग वॉक के साथ साथ आपको ये सब कुछ दिखाती चलती हूँ। तो चलिए मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर। ये जो पेड़ों के तनों पर आप रंग देख रहे हैं, ये रंग नहीं है, चूना होता है ये, ताकि पेड़ों पर दीमक ना लगे, इसीलिए ये रंग दिया जाता है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत टोपियारीज बनाई हैं। ये जो राइट साइड में, ये एक ही फाइकस का पेड़ है और उसी की कटिंग करके बना दिए हैं दो बॉल्स। दूसरी तरफ ये नीचे है ड्यूरंथा, बीच में एक फाइकस का पेड़ था, चारों तरफ ड्यूरंथा लगा दिया और इस तरीके से ये दो बॉल्स क्रिएट कर दिए। पीछे वाला भी फाइकस इसी तरीके से क्रिएट किया है। ये उस दूर जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे राइट साइड में, ये कोचिया के पौधे हैं जिसका बस अब सीजन खत्म हो गया। और ये लेफ्ट साइड में है स्वीट 4 o'clock, ये शाम को 4 बजे खुलते हैं, बहुत भीनी भीनी खुशबू पूरी रात देते हैं और सुबह होते होते ये बंद हो जाते हैं, इनकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। अरे भाई, आप कौन है? गुड मॉर्निंग। पता नहीं आप मुझसे दोस्ती करना चाह रहे हैं कि लड़ाई? अच्छा अच्छा, दोस्ती ये होती है। ये जो मेरे पीछे आप ह्यूज स्पैन ऑफ ग्रीनरी देख रहे हैं, इसमें एक तरफ अशोक के पेड़ लगे हैं और एक तरफ फाइकस के पेड़ लगे हैं। फाइकस जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा पेड़ भी हो जाता है। तो कितना बड़ा पेड़ होता है, चलिए दिखाती हूँ। ये नीचे पूरी लंबाई में ड्यूरंथा की हेज और ऊपर है लाइन से अशोक की कतार, और इधर राइट साइड में आप देख रहे हैं फाइकस के बड़े बड़े पेड़। मैंने भी पहली बार देखे हैं इतने बड़े पेड़। कितनी ऊंचाई तक फाइकस गया हुआ है और पूरी लाइन से आखिर तक दिखाई दे रहा है। नॉर्मली हम घर में ऐसे छोटे छोटे फाइकस देखते हैं। ये मेरे पीछे एक खेत आपको दिखाई दे रहा है, शायद बाजरा होगा, कल इसके ट्रिप पे चलेंगे। और ये है वडेलिया, पीले रंग के फूलों की क्रीपर होती है, हैंगिंग बास्केट में भी लगाई जाती है और ग्राउंड कवर के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। देखिए पूरा रोड साइड पे किस तरीके से पूरा ग्राउंड कवर है ग्रीनरी से, और जब फूल आएंगे तो ये बिल्कुल सितारों की तरह पीले फूल यहाँ छा जाएंगे। लेकिन ये चंपा के नीचे कुछ सिटिंग एरिया, इसे भी देखते चलते हैं। ये है कुछ फाइकस की टोपियारी, दोनों तरफ बॉल के शेप में बना रखी है और बीच में ये बेंच है, वाह। और दूसरी तरफ भी मुझे एक और बेंच दिखाई दे रही है और इसके भी दोनों तरफ वही फाइकस की टोपियारीज हैं। क्या सस्ता सुंदर और टिकाऊ इंतजाम है बैठने का। ये दूर बच्चे कुछ करते दिखाई दे रहे हैं, चलिए इनसे भी मिलाते हैं। अच्छा, ये हैं हमारे साइकिलिंग चैंपियन, पूरी तैयारी के साथ साइकिलिंग में जुटे हुए हैं, पूरी स्पीड से। मम्मी पापा सो रहे हैं, हमारे ये जनाब दौड़ रहे हैं। अच्छा, ये पूरे बच्चों का ग्रुप भी है जो बैडमिंटन में लगा हुआ है। बड़ी बराबर की टक्कर की टीम है, देखिए तो एक छोटा बच्चा इधर है, एक छोटा बच्चा उधर है, एक बड़ा बच्चा इस तरफ, एक बड़ा बच्चा उस तरफ। और मुझे लगता है बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं, एक पीली टीम एक नीली टीम। और ये हमारे साइकिलिंग चैंपियन पूरा चक्कर काट करके वापस आ गए। अरे भाई, आप कहाँ दौड़े चले आ रहे हैं? चलिए हम फिलहाल इस तरफ के बगीचे के भी दर्शन कर लेते हैं। पूरी ये ड्यूरंथा की हेज है और पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से अंदर चलते हैं। ये फिनिक्स पाम लगे हुए हैं दोनों तरफ। गिरे हुए फूल भी कितने सुंदर लगते हैं, नेचुरल। सेंसेवेरिया बेचारा बहुत ही ईजी टू मेंटेन प्लांट है, जहाँ लगाते हैं वहीं लग जाता है। लेकिन ये ऊपर चांदनी के फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल चमकते सितारों की तरह। और ये बैठने की जगह तो बड़ी मज़ेदार है, चलिए इस बगीचे में ज़रा यहाँ बैठ के भी देख लेते हैं यहाँ बैठ करके क्या नज़र आता है। दूर तक हरियाली, बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पेड़, बस ऐसा लगता है आसमान को छू रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे चल के देखते हैं आगे क्या क्या है।
अच्छा, ये लगा हुआ एक बड़ा सारा साइकस, काफी पुराना पेड़ है, और ये फर्केरिया होता है, बड़ा खूबसूरत सा प्लांट है, हार्डी प्लांट, कहीं भी धूप में कहीं भी लगा दीजिए। और ये बीच बीच में इस तरीके से पिलर्स पे बेलें चढ़ी हुई हैं, और जब हम इसके नीचे से निकलते हैं तो ऊपर ऐसा खूबसूरत सा कहीं जाल है, कहीं फूल है, कहीं पत्तियां हैं। चलिए थोड़ा वॉक करते हैं। अच्छा, ये तो वो आ गया, भूल भुलैया, बचपन में हुआ करता था हमारे, इस तरीके से हेज होती थी, उसमें कहीं से आप ब्लॉक हो जाते हो, कहीं से रास्ता ढूंढो, अगर निकल गए तो इनाम मिलेगा, वरना अंदर भूल भुलैया में भूल जाओगे। और निकल आए सक्सेसफुली, यहाँ तक आ गए, तो भाई ये सामने है कैफेटेरिया, इसमें आपको चाय भी मिल जाएगी। और चाय पीने के बाद जब बाहर आएंगे तो देखेंगे ये केली के पौधे लगे हुए हैं, और इसमें बहुत ही खूबसूरत रंग के फूल खिलते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया सिटिंग एरिया है। मुझे इसलिए लगा क्योंकि इसके पीछे आप देखिए ये नाइट जैस्मिन लगा हुआ है, रात की रानी जिसे कहते हैं, रात को इसमें बेशुमार फूल खिलते हैं और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसी के पीछे आप देख रहे हैं मजेंटा कलर के जो पौधे लगे हैं, ये हैं स्वीट 4 o'clock, 4 बजे शाम को खुलता है, पूरी रात खुशबू देता है, तो ये दोनों पौधे मिलकर के इतनी अच्छी खुशबू देंगे कि बेंच पे बैठने का मजा आ जाएगा। और वही पिलर्स, ये है मधुमालती की बेल, अभी थोड़ी छोटी है इसलिए फूल थोड़े से कम है, जब घनी हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, छा जाएगी तो काफी फूल होंगे। और दूसरी तरफ से चढ़ा रखी है ये जूही की बेल, जूही का फूल है। ये चमेली की बेल, और जब जब यहाँ से गुजरते हैं इसके नीचे से तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इससे ज्यादा खुशबू और इतनी अच्छी ऑक्सीजन और कहीं नहीं मिल सकती। अब दिखाई दे रहे हैं ये बड़े बड़े साइकस, और साइकस के बीच में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये साइकस का बीज होता है, बहुत ही सॉफ्ट वेलवेटी ये स्ट्रक्चर होता है, उस पर ये बीज है, अभी ग्रीन है, धीरे धीरे ये ब्लैक हो जाएगा, तब वो पका हुआ बीज होगा। और अब गार्डन के दूसरे हिस्सों में चलते हैं, ये बड़ी नटराज की मूर्ति और फाइकस के बैकग्राउंड के साथ ही यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, चलिए देखते हैं आगे आगे क्या है। ये है वही जूही की बुश, जूही को बेल की तरह भी चढ़ा सकते हैं, और ये बुश फॉर्म में मेंटेन करके रखा है, लगातार ये जूही की बुशेज हैं, तो यहाँ से चलते जाइए, खुशबू लेते जाइए। ये भी रंग बिरंगे फूल, अभी थोड़े से डल हो गए हैं, मुरझा से गए हैं, लिली वैरायटी के फूल हैं। और ये वापस एक फाइकस की लाइन है, बड़े बड़े पेड़ों की टोपियारी बना करके और नीचे लिली के फूल, और ये कितना सुंदर एंट्रेंस है, इसके अंदर से जाना चाहिए। और इसके नीचे से देखिए यही ऊपर चमेली, और ये पीले फूल तो भाई बहुत ही मजेदार दिखाई दे रहे हैं, जब ये गिरते हैं तो खूबसूरत छटा इतनी बढ़िया होती है, टिकोमा के फूल है ये। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर का ये गुड़हल, कितना खूबसूरत रंग है इसका, शेड कितना अच्छा है, और ये एक नहीं दो नहीं बेशुमार पिंक कलर के गुड़हल के फूल हैं, ये देखिए। ये गिलोय की बेल है, एवरग्रीन बेल है, बहुत ग्रीन रहती है, लेकिन चढ़ी किस पर है देखिए, पूरी तरीके से ये एक सूखा हुआ ठूंठ है, सूखा हुआ पेड़, लेकिन कैसे ग्रीनरी से उसने इसको खूबसूरत बना दिया। ऊपर चल के देखते हैं उस तरफ क्या है, अरे हाँ इस तरफ तो ये गुलाब के छोटे छोटे पौधे हैं, गुलाब का सीजन जरा अभी इस वक्त नहीं है, इसीलिए ये थोड़े से हमें डल दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से फूल देसी गुलाब के ये पौधे हैं। चलते हैं किसी और रास्ते, और ये तो नदी किनारे के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे रास्ता बनाया है, चलिए अच्छा एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चलते हैं। चलिए वापिस आते हैं, देखते हैं दूसरी तरफ क्या है।
दूसरी तरफ तो ये बच्चों के खेलने की जगह है, यहाँ से नीचे जाओ एक तरफ से और दूसरी तरफ से निकलो, कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं, ये मेरे साइज का नहीं है, मैं नहीं निकल सकती, ये बच्चों के ही साइज का है। चलिए मेरे मतलब की जो चीज़ है वो देख लेती हूँ। यहाँ पे एक मुझे स्लाइड दिखाई दे रही है, नॉर्मली प्लास्टिक की होती है, ये मार्बल की है। चलिए मैं तो ट्राई कर सकती हूँ। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं फिसलता है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करती हूँ। ये भी कुछ एक्सरसाइज की चीज है, जरा हाथ पैर हिला लेते हैं। वाह, खुले में ऐसा काम करने का मजा ही कुछ और हो रहा है। आंटी भी अपने हाथ की एक्सरसाइज कर रही हैं। करते रहिए आंटी, मुझे झूले दिख गए। चलिए थोड़ा बच्चों की तरह झूले भी झूल लेते हैं। चलिए आंटी नहीं झूल रही हैं, मैं जाती हूँ इस दूसरी जगह। ये कुछ एक सिटिंग स्पेस है, बहुत ही खूबसूरत सी दिखाई दे रही है और इसके चारों तरफ पानी है और पीछे से ये कोई वाटरफॉल है जो इस वक्त नहीं चल रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ से पानी का झरना गिरता होगा और बहुत सुंदर सी आवाज आती होगी। अच्छा, कुछ पक्षी दूर मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ कबूतर पानी पी रहे हैं, कुछ सफेद पक्षी भी टहल रहे हैं। पास से आकर देखते हैं, जूम करते हैं, ये कबूतर कैसे पानी पीते हैं। देखिए पास जाऊंगी तो ये उड़ जाएंगे, जरा दूर से देख लेते हैं पक्षियों की चहल पहल। और ये आ गई टिटहरी। बहुत मजा आया मॉर्निंग वॉक में, कैसा लगा आपको गार्डन? बहुत अच्छा लगा ना, और बहुत ही जल्दी मैं आपको उस खेत में भी ले चलूंगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, और अमलान बाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करते हुए बटन दबा दीजिएगा। तो जरूर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। नमस्कार।